अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं बिनिश नाम और ये हैं अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित खान। अच्छा वैसे ज्यादातर ये भी कमेंट्स आते हैं ना कि लाइन जो हम लोग बोलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे यही भी होता है, ये लाइन तो भी अच्छी लगती है लोगों को और इस तरह बोल बोल के ना पता है हमें भी आदत हो गई है कि भाई स्टार्टिंग में हम इस तरीके से इंट्रोडक्शन करवाने और मतलब आता ही ये वे है मेरा इंट्रोडक्शन चेंज करने का। नहीं यार नहीं, मुझे तो ये अभी कर देना, तो कैसे हैं आप लोग अब ये कर देंगे जी। अब्दुल बासित जी, अब्दुल बासित खान क्या देखने वाले हैं मिनिश? आज काफी फरमाइश के बाद इसमें कमेंट्स है हमारे पास, ओनली देसी एक है, इसमें मूवीज चैनल है तो ये मूवीज के ऊपर रिव्यूज होते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमने कहा चलो एक चेक करते हैं क्या है। ठीक है, लाइफ इज अ रेस। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। ओह नो, ये तो कुछ और है। नो, आई डोंट वांट टू गो देयर। नो 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 नो। Based on a book written by the biggest enemy of grammar Nazis, haters gonna hate, but I still think Chetan Bhagat was the best judge for Najpaliye. By the director, who has a lot of problem with pronouncing lots of. A lot of people are talking about the pressures of education. A lot of people are talking about a lot of baseless. A lot of people, a lot of. What people? A lot of people. A movie, जिसे देखकर सबने कहा कि ये दुनिया की सबसे unrealistic movie है. I mean, come on, इतनी beautiful लड़की, वो भी mechanical branch में, घंटा. Three Idiots, a movie that will show you what it takes to get admission in one of the best institute in India. Apparently a lot of money and a lot of Photoshop. Starring Aamir Khan, जो तुम्हारे पैदा होने से पहले भी कॉलेज स्टूडेंट था, तुम्हारे पैदा होने के बाद भी कॉलेज स्टूडेंट था, और तुम्हारे कॉलेज स्टूडेंट बनने के बाद भी कॉलेज स्टूडेंट था. It's a story about Rancho and his journey from being a porn star to a scientist. I mean, come on, he does look like Jordy. This is ICE, India's best engineering college. जहाँ सब कुछ normal था, लेकिन फिर आता है सभी engineers का बाप Rancho, I mean Rancho. जो इतना स्मार्ट है कि शायद मुत्ता पेट्रोल और हगता मोटर इंजन होगा। देखिए किस तरह रेंचो फेक आईटीसी कॉलेज में एडमिशन लेता है। How is that even possible? अब जब गजेंद्र वर्मा एमटीनेस गा के आईआईटी में एडमिशन ले सकता है तो ये भी पॉसिबल ही होगा। पूरी मूवी में बकचोदी रेंचो करेगा लेकिन कंप्लेंट सिर्फ उसके फ्रेंड्स के यहाँ जाएगी। देखिए किस तरह रेंचो बेबी की डिलीवरी करेगा विद हेल्प ऑफ यूट्यूब ट्यूटोरियल, जिसे देख के मन में फिर से वही क्वेश्चन आता है, यार ये तो गर्म पानी मंगवा के उसका यूज कहाँ करते हैं। लेकिन 10 साल के बाद दो दोस्त अपने तीसरे फ्रेंड को ढूंढने नहीं गए, जिसके लिए वो दिल्ली से शिमला, शिमला से लद्दाख, लद्दाख से मनाली एंड देन मनाली से वापस लद्दाख जाते हैं, फिर भी एंड तक इनकी शाम नहीं होती। मीट फरहान, उसका सीक्रेट लव फॉर रेंचो। रेंचो रणछोड़दास श्यामलदास चांचर, कुछ बात थी उसमें। रेंचो की इज्जत और भी बढ़ गई। पहली बार रेंचो को देखा, seriously their chemistry was still better than this ever just speak a love story. Jahan Pia meets Rancho once in a wedding, once on the road, and now she loves him. Aur 10 saal tak apne fiance se shaadi nahi karegi aur bina jane ki Rancho ki shaadi hui hai ya nahi uske liye bhag bhi jayegi. Shaadi hui ki nahi ye nahi pata. And to make things worse, they show this super cringy kiss, जिसे देख के बना बनाया मूड ऑफ हो जाए। फरहान इज अ फोटोग्राफर who takes pictures of moving people with a shutter speed of 1/38th of a second. भाई, I think तेरे को इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए। Rancho encouraged फरहान to follow his passion for photography, जिससे इंस्पायर होके करोड़ों इंडियन इंजीनियर्स ने DSLR लेके फेसबुक में अपना फोटोग्राफी पेज बनाया, जिसमें वो हर दिवाली दिए की फोटो अपलोड करते हैं। और जो DSLR नहीं खरीद पाए उन्होंने गिटार खरीद लिया, क्योंकि रियलिटी में घर जाके ये बोले कि लास्ट ईयर में इंजीनियरिंग छोड़नी है तो घर वाले में बम्बू डाल देंगे। मीट राजू, देखिए किस तरह राजू बताएगा कि अगर आप डरना छोड़ देंगे तो इंटरव्यूअर्स स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी नहीं आपको हायर कर लेंगे। ये एक इंस्पिरेशनल मूवी है जो कहती है कि एक्सेलेंस का पीछा करो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो करो फिर। अरे वही तो नहीं दिखाया कि कैसे एक्सेलेंस रिक्वायर्स हार्ड वर्क, कमिटमेंट, स्ट्रगल, फेलियर, स्ट्रेटजीज, बट नहीं, इंटेलिजेंट कौन? रेंचो। हु इज सुपर सक्सेसफुल? रेंचो। हु इज फनी? रेंचो। Who is philosopher? Rancho. Who has 400 patents with technically no degree? Rancho. Mechanical branch mein hote hue bhi ladki patane jaise impossible kaam kaun karega? Rancho. Aur fir bolte hain ki main point of the movie is nahi hoti hai ji yahi to chhod de. You can't stop people from doing jabberistic engineering by showing an engineer superior than everyone else. That defeats the whole purpose of the movie. Hell, even Rattu engineer ko successful dikhaya gaya. Look at his sleeveless blouse wali wife. God damn.
But let's be honest, you were not inspired by Kamyaab Bano. Ye toh hum logon se hazar baar sun chuke hain. You liked this movie because you needed something to blame for your decisions. And this movie gives you a lot of options, from education system to your teacher, from fear to your parents. But guess what? It's mostly your own fault. You liked it because it tells you what you wanted to hear. Well, this video is not that funny anymore. Is it? But hey, do not miss the iconic rape joke jise hum sab ne enjoy kiya kyunki feminism ka mainstream nahi tha. That's the mantra to most of the stress in life. Isliye hilao aur so jao. Yaad kar lo, yahan par bahut zor padne wali hai. Oh hello daisies, if you like the video then hit that like button and if you love. जो मूवी में नहीं होना मेरा सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा यार वाकई की मतलब ये चीज ऐसी है इस तरह से है मतलब एक तो जो जो डिलीवरी पर सीन दिखाया है ना उससे तो मैं मुझे सबसे ज्यादा हंसी पता किस बार आई जब आप छोटे थे जब भी वो और वाकई जो उन्होंने मूवी का जो क्लिप लगाया साइड में मैं वाकई में देख के मतलब शॉक हो गया मैं वाकई हमारे जहन में ये देख के क्या आया सोचने की बात है हां हमारे जहन में ये बात नहीं आई मैं ये कह रही हूं हमने सिर्फ मूवी देखी हमारे जहन में बात नहीं हो रहा हमारे लिए हमारे जहन में बात नहीं है हम भी नोट करते हैं छोटी मोटी क्योंकि हम लोग शूट करते हैं तो हम लोग जो है ना देखने से ज्यादा ना ये चीज देख रहे हैं चीज यहां की तभी यहां आ गई हम लोग ये चीजें नोट करते हैं इतने मेजर पॉइंट बताए कि हम लोग हैरान है वाकई यार वो इंजीनियरिंग से लेकर कुछ लेके बिल्कुल सही बताया कि आखिरी लेवल पे आके अगर ये करोगे हमारे घर वाले हमें वैसे ही ठीक करके रख दिया अगर हम इसके अलावा नॉर्मली कोई बात पूरे एयर चल के लास्ट में अगर लेकिन यार बड़ा मजा आया देखने में अच्छा लगा इनकी और वीडियोस पे भी करेंगे अगर फरमाइश आएगी अगर ऐसी 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 बातों में मुझे बहुत मजा आता है कि ना नॉर्मली मतलब बंदा सब कुछ बड़े बड़े अल्फाज बोल दे इवन की गाली भी दे दे नॉर्मल होके ना किसी को छुआ ही नहीं कुछ बोलना ही नहीं कोई बात ही नहीं है उससे बड़ा मजा आता है लेकिन चले इसके रिएक्शन मेरा तो बिल्कुल ही चेंज था क्योंकि हम लोग बैठ के फर्स्ट टाइम देख रहे थे हमें पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है वरना नॉर्मली मूवीज और ये सब चीजें तो हम लोग करते ही रहते हैं उसके हमें पता होता है मैं नहीं पता था इसमें क्या करने वाले हैं क्या पॉइंट हमें बताने वाले हैं जब भी मजा आ रहा था बहुत ही आप देखे आप पहले से कुछ देख के बैठे होते लेकिन चले उन्होंने ये नहीं देखी थी लेकिन बड़ा मजा आया हमें अगर इसकी आगे भी फरमाइश आती है तो हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग इस पर दोबारा से रिएक्शन दें क्योंकि अब ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है हमें ये चीज समझ में आ रही है चले मुझे और अब्दुल बासित खान को इजाजत दीजिए बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो में बैठती यही मजा है फैमिली वालों के साथ अच्छा मैं चुप हूँ एक सेकंड मैं चुप हूँ बासित बोलेंगे थोड़ी देर के लिए अब तो बोल दिया अब तो नहीं कोई मसला नहीं है कोई मसला नहीं बोले बासित टॉपिक के बात हो गया अब चले 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 टॉपिक पे कर लो टॉपिक पे कर लो बात हो गई जो बचे वो बोल दे मैं अभी भी बोल के दिखा दूं आपको लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को लाजमी दबा दें और कुछ बोलना मैं जब आपको नहीं बोलने देती जब आप बोलते सिर्फ आप यही बात बोलते तुमने ऐड कर दिया मैं क्या बोलूं तो मैं सोचती हूं मैं इससे रिलेटेड कुछ बोल दूं क्यों ना हम लोग ऐसे ही बातें कर लें समझ में आपको बोलने का मौका देता हूं सिर्फ यही बात बोलते चलिए मुझे अब्दुल बासित खान को भी इजाजत दीजिए बासित ने हमारा बहुत वक्त ले लिया लाइक शेयर कमेंट बोल बोल मजल फिर से नई वीडियो में मुलाकात होगी जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़